नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया की ज्योतिष संस्थान टीम में आपका एक बार और स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने कुछ दिन पहले कुछ नामों के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, जहां पर हमने कुछ नामों के संबंधित एक जानकारी प्राप्त की थी। वहां पर हमने कुछ नाम रखे थे, जिसमें हमने अभिषेक, संजय, अजय, मनीष, सोनिया, प्रिया और भी कुछ नाम थे, जैसे राजेश, राजू। हमने कुछ नामों पर, बहुत सारे नाम थे जिनके ऊपर हमने कुछ वीडियो बनाई थी। काफ़ी लोगों ने उनको पसंद भी किया, काफ़ी लोगों के उनके काफ़ी कमेंट आए। ज़्यादातर काफ़ी लोगों के 99% अच्छे ही कमेंट आए हैं, जिन्होंने हमसे कहा कि सर, आपकी जो आपने जो जानकारी दी है बहुत यूनिक है और हमको अच्छी लगी है। ऑनलाइन हम भी जो भी जानकारी लेते हैं, जैसे आप किसी भी नाम के बारे में ऑनलाइन जानकारी लेते हैं, तो आपको वहाँ पर केवल राशि के बारे में बताया जाता है या उनके ग्रह से संबंधित उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताई जाती है। लेकिन आपको यहाँ प्रगति मीडिया की ज्योतिष संस्थान टीम में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत ही मुश्किल से मिल सकती है, या आपको मिलेगी लेकिन आपको बहुत मुश्किल से मिल सकती है। जो हमारी ज्योतिष संस्थान की टीम है, वो कुछ अपनी सिद्धियों के द्वारा या अपने कुछ नक्षत्र के अनुभव के द्वारा वह इस तरह की जानकारी लेके आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हम आज किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अंजलि नाम के ऊपर। अंजलि नाम के बारे में हम जानेंगे कि अंजलि नाम की लड़कियां कैसी होती हैं, उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो उनका बचपन का समय बीतता है वो कैसा बीतता है, जो उनका जवानी का समय वो कैसा बीतता है, और उनका फ्यूचर जो होता है वो कैसा रहता है, और उनका स्वभाव क्या रहता है, पेरेंट्स के सपोर्ट में क्या रहती हैं, और उनका पूरी लाइफ के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी हम पाएंगे। यहाँ पर मैं किसी भी नाम के ऊपर, किसी भी लड़की के ऊपर कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा, मैं एक नाम के ऊपर बता रहा हूँ कि नाम को भी बहुत फ़र्क करता है कि जो आपका नाम है वो आपके व्यक्तित्व है, जो आपके जीवन पे बहुत उसका असर होता है। हम इसी बारे में आज हम जानकारी पाएंगे। तो किसी को भी अगर कोई बात गलत लगती है या हम कोई बात गलत बोलते हैं, तो आप उसका बुरा ना माने, या आप प्रगति मीडिया में उसको, आपको कोई बात गलत लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नॉर्मली जानते हैं कि जैसे सभी जगह पे आपको वीडियो पे मिल जाएगा कि अंजलि नाम की राशि कौन सी होती है। अंजलि नाम की जो राशि होती है उनकी होती है मेष राशि, और उनका जो स्वामी होता है, जो ग्रह स्वामी होता है, वो उनका रहता है मंगल। और उनके उनका जो नक्षत्र होता है कृतिका नक्षत्र उनका रहता है। तो ये जानकारी हमने पाई कि उनकी जो राशि होती है उनका स्वामी रहता है मंगल, और उनका जो नक्षत्र होता है वो कृतिका नक्षत्र रहता है। तो अब हम जानते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं उनका पास्ट के बारे में कि उनका पास्ट कैसा रहेगा, मतलब उनका जो बचपन का समय वो किस तरह का रहा होगा। अंजलि नाम की जो लड़कियाँ होती हैं, उनको जो बचपन का समय वो और बच्चों के अकॉर्डिंग काफ़ी नटखट होती हैं, और मतलब एक उनको एक चीज़ देखी गई है अंजलि नाम के जो बचपन के समय, वो इतनी नटखट होती है, इतनी चंचल होती हैं कि उनके बचपन में उनको जो उनका एक नाम रख दिया जाता है, निकनेम रख दिया जाता है, और एक जवानी तक उनको नाम एक निकनेम से बुलाया जाता है। जैसे सपोज कोई भी बच्चा होता है, अगर कोई एक मतलब उनको इतनी शैतानी करती है कि उनको वो नटखट इतनी होती है कि उनको एक निकनेम से पूरी लाइफ तक उनको बुलाया जाता है। और पास्ट उनका जो बचपन का समय बीतता है, नॉर्मल बच्चों की तरह काफ़ी अच्छा बीतता है, काफ़ी फैमिली भी अच्छी होती है, किसी गरीब घर में वो जन्म नहीं लेती हैं, हमेशा नॉर्मल घर में जन्म लेती हैं, और उनको जो बचपन का समय रहता है वो ठीक रहता है। अब आ जाते हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। अंजलि नाम की जो लड़कियाँ होती हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो नॉर्मल रहती है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर वो इतना फोकस नहीं कर पाती है। उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ तो लगा रहता है, उनका दिमाग भी तेज होता है, पढ़ाई की तरफ उनका मन होता है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाती हैं, या किसी वजह से वो पढ़ाई को बीच में छोड़ देती हैं। साइड में वो कोई भी कोर्स वगैरह कर सकती हैं, मैं उस पर कोई पॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिग्री की बात कर रहे हैं। और उनकी पढ़ाई से संबंधित और बात करें तो उन्हें कोई ऐसी खास नॉलेज लेने का ज़्यादा शौक नहीं रहता है। मतलब एक जैसे एक नॉर्मल इंसान में होता है, मतलब एक लड़कों में या लड़कियों में एक थोड़ा सा रहता है कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज लेना अच्छा लगता है, लेकिन अंजलि नाम की जो लड़कियां होती हैं उन्हें इतना इंटरेस्ट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज ले सकें। और इनकी स्टडी के बारे में और बात करें तो इनका जो फ्यूचर होता है, जो आगे जाके जो इनकी लाइफ होती है, जो शादी के
करीबन 10 साल बाद में, मतलब कि आप मान लीजिए कि अगर करीबन आप 35 साल के बाद में मान लीजिए कि जो साथ इनके जो 35 साल की उम्र के बाद में होती है, इनकी जो स्टडी लाइफ में ये चेंजेस करती है और कुछ ना कुछ पढ़ाई करके ये आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करती है। अब हम जानते हैं इनकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में कि अगर ये अभी व्यक्तित्व में है, जैसे इनका जो जवानी का यूथ टाइम है वो इस समय उनका कैसा बीत रहा होगा। अंजनी नाम की जो लड़कियाँ होती हैं, जो अपनी व्यक्तित्व इनका जो रहता है, जो प्रेजेंट टाइम का जो समय रहता है, वो इनका थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा ना अपने माहौल से, जो समाज से थोड़े से परे हो जाती हैं, एक्चुअली ये भटक जाती हैं। मैं बुरा ना माने कोई भी अंजलि नाम की लड़की देख रही है, लेकिन ये थोड़ा भटक जाती है। इनको थोड़ा, इनको कोई बॉयफ्रेंड वगैरह मिल जाते हैं, या इनकी बातों में आ जाती हैं, या थोड़ा परिवार से झूठ बोलने लग जाती हैं। और जो हाँ, झूठ के बारे में बात करें तो अंजलि नाम की लड़कियाँ बुरा ना माने, लेकिन झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। आप ये इतना साफ झूठ बोल सकती है, इतना क्लियर झूठ बोल सकती है कि आप इन्हें इनको पहचान भी नहीं सकते कि इन्होंने कोई झूठ बोला है और आप इन्हें पहचान लें। अच्छा अच्छों को ये पागल बनाए जाएंगे। कहते हैं कि आँखों में से काजल चुराना वो ये अच्छे से जानती है, और झूठ को तो इतनी सफाई से बोलती हैं, इतनी क्लियर से बोलती हैं कि आप इन्हें क्लियर नहीं कर सकते कि इन्होंने झूठ बोला है या सच बोला है। और इनकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में जाने तो इनकी फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी होते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट बनाना अच्छा लगता है। और एक इनकी ये देखा गया है कि अगर ये किसी को जल्दी फ्रेंड नहीं बनाती हैं, लेकिन उसे एक फ्रेंडशिप करती हैं तो उसे बहुत अच्छे से निभाती हैं। दूसरी बात, उसे धोखा भी बहुत अच्छे से देती है, और जब उसको धोखा देने की बारी आती है तो उसे कभी भी किसी भी वक्त धोखा दे सकती है, जिससे कि उनकी फ्रेंडशिप में कोई दरार आ सकती है। और ये बदला लेने में थोड़ा माहिर होती है। अगर आप इन्हें सपोज कोई भी, जैसे नॉर्मल एक होता है कि अगर हमने किसी को कोई कह दिया या कुछ कह दिया तो आदमी एक दो दिन में भूल सकता है, या थोड़ा कुछ काम करेगा तो भूल जाएगा, लेकिन ये बदला लेने में बहुत माहिर होती हैं। अगर आपने इनको संग कुछ किया है या अगर आपने इनको कुछ बोल दिया तो भैया ये आपका उस चीज़ का बदला बहुत अच्छे से लेती हैं। प्रेजेंट लाइफ के बारे में और बात करें तो इनकी प्रेजेंट लाइफ होती है एक, अपने फ्यूचर को फोकस ज़्यादा नहीं करती हैं, अपनी इंजॉय लाइफ में या फिर अपने उस लाइफ से जीती हैं कि हमें थोड़ा अपने अपनी, मतलब ये नहीं देखते हैं कि मुझे अभी पैसा कमाना है, ये लंबा फ्यूचर देखते हैं कि मेरे आगे का जो 10 या 15-20 साल का जो समय होगा, जो प्रेजेंट लाइफ को नहीं देखते हैं कि मुझे भी पैसा कमाना है या अपनी लाइफ को या घर वालों को सपोर्ट करना है। ये थोड़ा बहुत आगे का फ्यूचर देख लेते हैं, 15-20 साल का, मतलब थोड़ी सी छोटी सी बात कहूँ तो ये थोड़ा शादी का फ्यूचर देख लेती हैं। और अब इनकी पेरेंट्स सपोर्ट की बात करते हैं, इनका जो पेरेंट्स का जो परिवार का सपोर्ट होता है वो किस तरह का रहता है। पेरेंट सपोर्ट की बात करें तो इनका जो पेरेंट सपोर्ट होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये ज़्यादातर लव मैरिज करती हैं, ज़्यादातर हमने जो देखा है कि ये लव मैरिज करती हैं, भले इनको अगर पसंद भी आ जाता है लड़का तो ये घर वालों के सपोर्ट के द्वारा ये लव मैरिज करती हैं। और पेरेंट्स इनके काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, इनको जो पापा का प्यार है, मतलब बाप का प्यार है, वो इनको बहुत अच्छा मिलता है। माँ के अकॉर्डिंग इनको बाप का प्यार ज़्यादा अच्छा मिलता है, और इनको फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला रहता है। अब अगर घर के बड़े का अगर सपोर्ट मिल रहा है, अगर बाप का प्यार मिल रहा है, तो इस तरह से इनको फैमिली का जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़्यादातर इनकी कंप्लीट हो जाती हैं और उनको वो पूरी तरह से मिलता रहता है। और इनके पेरेंट सपोर्ट में और बात करें तो इनको आगे तक भी पेरेंट सपोर्ट मिलता है, जैसे शादी के बाद में भी इनको, जैसे और भी चीज़ों में इनको कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ भी इनको नॉर्मल सपोर्ट दिया जाता है। अब इनकी बात करते हैं लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इनकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज में इनके जो ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी लव मैरिज पाई गई है, मतलब ज़्यादातर ये लव मैरिज करती हैं, इनको कोई भी अक्सर ये भटक जाती हैं। और इनकी लव मैरिज जो देखी गई है ज़्यादा सक्सेस नहीं देखी गई है, मतलब अगर ये अपनी पसंद से जो शादी करती हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि एक लंबे समय तक टिकने वाला, मतलब ये जो लड़का चॉइस करती है, जो लड़का जिससे शादी करने जाती है, वो लड़का इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है। पहली बात कि जो अंजलि नाम की जो लड़कियां होती है थोड़ी सुंदर होती है, मतलब सुंदर का मतलब ये नहीं कि एक चेहरे से, मतलब सुंदर का मतलब उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, और जब वो अपनी बातें करती है तो उनकी जो एक नेचर से उनकी जो सुंदरता अच्छी निकलती है, थोड़ी सी गोरा रंग भी होता है और देखने में अच्छी लगती हैं।
लेकिन उनको जो पसंद होती है, जिससे वो शादी करती है, वो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है। जितनी सुंदर वो होती हैं, उस हिसाब से जो उनका हस्बैंड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। उसका रिलाइज उनको थोड़े दिन बाद में या शादी के कुछ साल बाद में होता है, और थोड़ा सा उन्हें लगता है कि मैंने अपनी चॉइस शायद ठीक नहीं की, मुझे शायद थोड़ा सा और भी सोचना चाहिए था। हमने लंबे जर्नी मैरिज के बारे में जाना, अब हम इनके नेचर के बारे में जानते हैं, इनका स्वभाव कैसा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंजलि नाम की जो लड़के हैं तो होती हैं वो काफ़ी सपोर्टेबल होती हैं। अगर आप उनको कोई काम दे रहे हो, सपोज आपने उनको कोई काम दे दिया कि आप एक काम कीजिए, आप ये काम कर लीजिए, 10 लड़कियां हैं, आपने उनको काम दे दिया, तो उनमें से 10 लड़कियों में से 3 लड़कियां बहुत अच्छे से काम करती हैं, 3 लड़कियों में से एक नाम होगा अंजलि। मतलब आप इन्हें कोई काम देते हो, ये बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से लगन के साथ में उस काम को करती हैं, चाहे उनको वो काम आता हो या ना आता हो, उसको वो पूरी ईमानदारी से के साथ में करती हैं। और ये काफ़ी फ्रेंकली रहती हैं लोगों के साथ में, जल्दी घुल मिल जाती हैं, इतना ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होता है। अगर अंजलि नाम की ज़्यादा पैसे वाली भी होती है, बहुत ज़्यादा पैसे वाली या रिच नाम की है, अगर वो नॉर्मल माहौल में आ जाती है तो भी उनके अंदर कोई खास एटीट्यूड नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे शब्दों को वो बोल देती हैं जो सामने वाले को इतना बुरा लग जाते हैं कि उनको कहते ना कि दिल के पार निकल जाना तीर, वो वाली चीज़ है कि कभी कभी ऐसे शब्दों को बोल देती है जिससे सामने वाले को बहुत गंदा फील हो जाता है। और इनके नेचर के बारे में बात करें तो अंजलि नाम की जो लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। अगर आप उनके पास में सपोज बैठे हों, चाहे कोई भी हो, चाहे एक अननोन पर्सन भी आ गया, मतलब थोड़ा बहुत अननोन से तो नॉर्मली आदमी थोड़ा बहुत कम ही बात करता है, लेकिन अंजलि नाम का ये होता है कि अगर आप अननोन पर्सन है, अगर किसी को थोड़ी बहुत जानकारी निकल जाती है तो उसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। इतने घुल मिल जाते हैं कि उससे कि वो व्यक्ति घर तक आने लग जाए, इतना मतलब काफ़ी अटैचमेंट उनकी फ्रेंकली, काफ़ी फ्रेंकली होती हैं ये। और इनके नेचर के बारे में बात करें तो इनका जो स्वभाव होता है वो लोगों के प्रति अच्छा ही होता है, बस हम इतना ही जानेंगे। और इनके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड अगर बात करें, अगर ये जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं इससे संबंधित हम बात करें, तो अंजलि नाम की जो लड़कियां देखी गई है वो ज़्यादातर ना तो जॉब करती हैं ना बिजनेस करती हैं, वो नॉर्मल रहती हैं। मतलब जॉब भी करेंगी, अगर सपोज उन्होंने जॉब भी कर ली तो जॉब थोड़े टाइम तक करती हैं, मतलब एक जोश होता है या जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा, जैसे एक लंबे समय तक जो जॉब करता है, जैसे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो इतने लंबे समय तक नहीं जॉब करती है। अगर जॉब कर ली ज़्यादा से ज़्यादा मान के चला तो 1.5 साल जॉब कर लेंगे वो, उसके बाद में थोड़ा अपने घर पर रेस्ट कर लेंगे या शादी कर लेंगे या कुछ भी हो जाएगा, फिर आगे जाके वो थोड़े टाइम बाद में किसी के सपोर्ट के द्वारा फिर वो बिजनेस पर अपना हाथ बटाती हैं। और इनके अगर मैरिज लाइफ के बारे में बात करें तो मैरिज लाइफ के बारे में हमें जाना कि इनकी जो शादी होती है, जो इनकी शादी होती है मैरिज लाइफ में, वो इनकी शादी जो होती है, जो इनकी फैमिली होती है, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट करूँगा कि जो इनकी फैमिली थोड़ी गरीब, मतलब अगर इनकी फैमिली पर अगर 100 रुपये कमाती है इनकी फैमिली, तो इनकी शादी जो ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर वो फैमिली 200 रुपये कमाती है, मतलब 200 से 250 रुपये कमाती है, मतलब एक अच्छी फैमिली में इनकी शादी होती है, रिच फैमिली में शादी होती है। और इनको जो इनकी ससुराल पक्ष होता है वो काफ़ी अच्छा होता है इनके अकॉर्डिंग, मतलब पियर के अकॉर्डिंग, जो इनका घर होता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो ससुराल पक्ष होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इनका जो हस्बैंड की बात करें, हस्बैंड इनका देखने में इतना शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसका नेचर वाइज उसको देख के बात करें तो काफ़ी, वो उसका जो हस्बैंड होता है वो भी काफ़ी नेचर वाइज अच्छा होता है। और इनका जो हस्बैंड होता है वो अच्छा ठीक ठाक कमाता है, ये कुछ भी बताए कि हमारा हस्बैंड इतना कमाता है, लेकिन वो नॉर्मली लेवल से कमाता है। और इनके बारे में और मैरिज लाइफ के बारे में बात करें, हाँ ससुराल पक्ष के बारे में बात करें तो ससुराल पक्ष जो इनका रहता है वो इनका ससुराल जो पक्ष रहता है इनको काफ़ी सपोर्टेबल करने वाला होता है, और मतलब इनको काफ़ी सपोर्ट करता है हर तरीके से। एक्चुअली ये गलत भी हो जाती है तो भी ससुराल पक्ष इनको हर तरीके से सपोर्ट करता है। पति एक बार के लिए सपोर्ट ना करे, लेकिन ससुराल पक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन ये इसको भी थोड़ा सा कभी कभी गलत मान लेती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें कभी कभी बिगड़ जाती हैं। और हम इनके बारे में जानते हैं अब इनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जाने तो भविष्य प्लानिंग के बारे में, तो इनका कोई ऐसा खास फ्यूचर प्लानिंग इतने नहीं रहती है, इनको बस एक रहता है कि हाँ भैया मुझे अपनी लाइफ जी ली है, जैसे ये अपना टाइम से आ गई है, अपने प्रेजेंट जो इनका यूथ टाइम है इन्होंने कर लिया है,
इनको लगता है कि एक मुझे एक अच्छे घर में शादी कर लेनी है जो पैसे वाला हो, या एक अच्छे घर में जो जहाँ पे एक अच्छी इनकम हो, या एक ऐसे घर में शादी मुझे करनी है। मतलब इनकी कोई ऐसी खास प्लानिंग नहीं होती है कि मुझे बिजनेस करना है, या मुझे खास जॉब करनी है, या मुझे अमीर बनना है, मुझे अपने दम पे सब कुछ करना है या वो करना है। इनकी कोई ऐसी खास प्लानिंग नहीं होती है। हाँ करती हैं, लेकिन मैं इनके जो व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। इनकी ऐसी कोई खास प्लानिंग नहीं होती है। ये नॉर्मली सोचती हैं कि हमको एक सेट हो जाए, मतलब एक ऐसी शादी कर लें जहाँ पे सेट हो जाए, जहाँ पे अपने पति वगैरह का अपना लाइफ को आगे जिए। और इनके फैमिली सपोर्ट के बारे में बात करें तो हमने भी जाना था पियर का और ससुराल का। इनको ज़्यादातर पियर का सपोर्ट मिलता है ससुराल के अकॉर्डिंग। ससुराल का इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना इनको पियर का सपोर्ट मिलता है। अब इनको जानते हैं फ्यूचर के बारे में। इनका जो फ्यूचर रहता है आगे जाके, मैंने जैसे कि बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि आगे जाके ये किसी बिजनेस में भी अपना हाथ बटाती हैं, किसी के सपोर्ट के द्वारा ये बिजनेस करती हैं, अपने दम पे नहीं करती, लेकिन किसी के सपोर्ट के द्वारा ये बिजनेस करती हैं। वो सपोर्ट किसी का भी हो सकता है। और इनके एक फ्यूचर जो आगे जाके इनको जो इनकम जो जनरेट करती हैं, आगे जाके जो एक फ्यूचर जो प्लानिंग करती हैं, वो एक आगे भविष्य के लिए सही कर लेती है, नॉर्मल लेवल पर करती है। इतनी कोई खास प्लानिंग नहीं करती हैं फ्यूचर के लिए जो नॉर्मल इंसान करता है। इस तरह से इनकी नॉर्मल इनकी प्लानिंग रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने अंजलि नाम के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों अगर हमारी ज्योतिष संस्थान टीम ने जो भी आपको जानकारी दी है अंजलि नाम के ऊपर, अगर आपको वो जानकारी कहीं भी गलत लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो भी आपको लगता है कि सर ये नहीं बोलना चाहिए था, या आपको आपके ऐसे शब्द नहीं प्रेजेंट करने चाहिए और भी आगे की वीडियो में, या आपको ये चीज़ आपने थोड़ा गलत बोली है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से सही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, शब्दों में भी गलती हो जाती है, जानकारी में भी गलती हो जाती है। तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और हमारी ज्योतिष संस्थान की टीम के द्वारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।